नहमायह अध्याय तीन। तब एल्याशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की और उसके पल्लों को भी लगाया और हम्मेया नाम गुम्मट तक बरन हननेल के गुम्मट के पास तक उन्होंने शहरपनाह की प्रतिष्ठा की। उससे आगे यरीहो के मनुष्यों ने बनाया और इनसे आगे इमरी के पुत्र जक्कूर ने बनाया। फिर मछली फाटक को हसना के बेटों ने बनाया, उन्हीं ने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले ताले और बेड़े लगाए और उनसे आगे मरेमूत ने जो हक्कोस का पोता और यूरियाह का पुत्र था मरम्मत की और इनसे आगे मशुल्लाम ने जो मशेजबेल का पोता और बरेक्याह का पुत्र था मरम्मत की और इससे आगे बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत की और इनसे आगे तकोयो ने मरम्मत की। परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर न लिया। फिर पुराने फाटक की मरम्मत पासेह के पुत्र योयादा और बसोदियाह के पुत्र मशुल्लाम ने की, उन्हीं ने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले ताले और बेड़े लगाए और उनसे आगे गिबोनी मलत्याह और मेरोनोती यादोन ने और गिबोन और मिस्पा के मनुष्यों ने महानद के पार के अधिपति के सिंहासन की ओर से मरम्मत की। उनसे आगे हरियाह के पुत्र उजियल ने और सुनारों ने मरम्मत की और इससे आगे हनन्याह ने जो गंधियों के समाज का था मरम्मत की और उन्होंने चौड़ी शहर पनाह तक यरूशलेम को दृढ़ किया। और उनसे आगे हूर के पुत्र रपायाह ने जो यरूशलेम के आधे जिले का हाकिम था मरम्मत की और उसने आगे हरूमप के पुत्र यदायाह ने अपने ही घर के सामने मरम्मत की और इससे आगे हशब न्याह और के पुत्र हत्तूश ने मरम्मत की। हारिम के पुत्र मलकियाह और पहतमुआब के पुत्र हशुब ने एक और भाग की और भट्टों के गुम्मट की मरम्मत की। इससे आगे यरूशलेम के आधे जिले के हकीम हल्लोहेश के पुत्र शल्लूम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। तराई के फाटक की मरम्मत हानून और जानोह के निवासियों ने की, उन्होंने उसको बनाया और उसके ताले बेड़े और पल्ले लगाए और हजार हाथ की शहर पनाह को भी अर्थात कूड़ा फाटक तक बनाया। और कूड़ा फाटक की मरम्मत रेकाब के पुत्र मलकियाह ने की जो बेथ केरेम के जिले का हाकिम था, उसी ने उसको बनाया और उसके ताले बेड़े और पल्ले लगाए। और सोता फाटक की मरम्मत कोलहोजे के पुत्र शल्लूम ने की जो मिस्पा के जिले का हाकिम था, उसी ने उसको बनाया और पाटा और उसके ताले बेड़े और पल्ले लगाए। और उसी ने राजा की बारी के पास के शेलह नाम कुंड की शहर पनाह को भी दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। उसके बाद अजबुक के पुत्र नहमायाह ने जो बेतसुर के आधे जिले का हकीम था दाऊद के कब्रिस्तान के सामने तक और बनाए हुए पोखरे तक बरन बीरों के घर तक की मरम्मत की। इसके बाद बानी के पुत्र रहूम ने कितने लेवियों समेत मरम्मत की। इसके आगे किला के आधे जिले के हाकिम हशब्याह के अपने जिले की ओर से मरम्मत की। उसके बाद उसके भाइयों समेत किला के आधे जिले के हाकिम हेनादाद के पुत्र बबने ने मरम्मत की। उसने आगे एक और भाग की मरम्मत जो शहरपनाह के मोड़ के पास शस्त्रों के घर की चढ़ाई के सामने है यीशु के पुत्र एजरे ने की जो हिस्पा का हाकिम था।
फिर एक और भाग भी अर्थात उसी मोड़ से ले एल्याशिब महायाजक के घर के द्वार तक की मरम्मत जब्बे के पुत्र बारूक ने तन मन से की। इसके बाद एक और भाग की अर्थात एल्याशिब के घर के द्वार से ले उसी घर के सिरे तक की मरम्मत मरेमूत ने की, जो हक्कुस का पोता और यूरियाह का पुत्र था। उसके बाद उन याजकों ने मरम्मत की जो तराई के मनुष्य थे। उनके बाद बिन्यामिन और हशुब ने अपने घर के सामने मरम्मत की, और इनके पीछे अजरियाह ने, जो मासेयाह का पुत्र और अनन्याह का पोता था, अपने घर के पास मरम्मत की। तब एक और भाग की अर्थात अजरियाह के घर से लेकर शहरपनाह के मोड़ तक वरन उसके कोने तक की मरम्मत हेनादाद के पुत्र बिन्नुई ने की। फिर उसी मोड़ के सामने जो ऊंचा गुम्मट राजभवन से बाहर निकला हुआ बंदीगृह के आंगन के पास है, उसके सामने उज्जै के पुत्र पालाल ने मरम्मत की। इसके बाद परोश के पुत्र पदायाह ने मरम्मत की। न तीन लोग तो ओपेल के पूरब की ओर जल फाटक के सामने तक और बाहर निकले हुए गुम्मट तक रहते थे। पदायाह के बाद तकोइयों ने एक और भाग की मरम्मत की, जो बाहर निकले हुए बड़े गुम्मट के सामने और ओबेल की शहर पनाह तक है। फिर घोड़ा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत की। इनके बाद इम्मेर के पुत्र सादोक ने अपने घर के सामने मरम्मत की, और तब पूर्वी फाटक के रखवाले शकन्याह के पुत्र समयाह ने मरम्मत की। इसके बाद शलेम्याह के पुत्र हनन्याह और सालाप के छठवें पुत्र हानून ने एक और भाग की मरम्मत की। तब बेरेक्याह के पुत्र मशुल्लाम ने अपनी कोठरी के सामने मरम्मत की। उसके बाद मलकियाह ने, जो सुनार था, नतीनों और व्यापारियों के स्थान तक ठहराए हुए स्थान के फाटक के सामने और कोने के कोठे तक मरम्मत की, और कोने वाले कोठे से लेकर भेड़ फाटक तक सुनारों और व्यापारियों के मरम्मत की।